तो अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अपना पिछला मैच हारने के बाद यहाँ पर हो सकता है वह मैच ये जीत जाते अगर ललित यादव वहाँ पर सिंगल ले लेते, बट यहाँ पर वो नो बॉल होती नहीं होती वह अलग बात थी। बट उसके बाद अब डीसी की टीम अपने नेक्स्ट मैच पर फोकस करना शुरू कर चुकी है, जो कि केकेआर के खिलाफ 28 तारीख को आपको शाम को 7:30 बजे से यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर डीसी की टीम के लिए यहाँ पर कुछ खबरें आ रही हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इनके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर जो नो बॉल के लिए ऋषभ पंत ने अपनी टीम से गेम रोकने की मांग करी थी, वहाँ पर उनके ऊपर यहाँ पर एक्शन लिया गया है। बट यहाँ पर एनएच नॉर्जे से फिलहाल एक रिलेटेड अपडेट आई है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से है। सब जानना चाहते थे कि क्या ये फिट है या नहीं है, तो यहाँ पर जो फिलहाल अपडेट आई है वह यही है कि एनएच नॉर्जे भी पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और वह सिलेक्शन के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। जब तक यहाँ पर अब अगला मैच खेलेगी डीसी, हो सकता है वह आपको डीसी की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आए, तो ये डीसी की टीम के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। जहाँ पर यहाँ पर एक और बड़ी खबर आई है वह आई है ऋषभ पंत को लेकर। इन पर बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जो कि इन्होंने यहाँ पर मैच रोका था बीच में और यहाँ पर इनको 100% अपनी मैच फ़ी देनी पड़ गई। वहीं यहाँ पर इनके साथ एक और जो इनका समर्थन कर रहे थे खिलाड़ी डीसी कैंप से शार्दुल ठाकुर, उन पर भी यहाँ पर 50% मैच फ़ी का फाइन लगाया गया है और इनके कोच प्रवीण आमरे जो कि बीच ग्राउंड में आए थे मैच चलते में, उनको बैन करा गया एक मैच के लिए। वहीं यहाँ पर एक और गुड न्यूज़ आई है, वह आई है पॉवेल को लेकर। जी हाँ, पॉवेल का फॉर्म में आना डीसी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि डेविड वार्नर पृथ्वी शॉ अच्छा कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत पर बहुत जिम्मेदारी थी, जो कि पॉवेल ने यहाँ पर उनसे उतार दिया फॉर्म में आकर। ललित यादव भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद है डीसी अगला मैच जीतेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।